क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना? क्या आप भी घर बैठे बहुत ही कम फीस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक सीजी व्यापन टॉपर से गाइडेंस लेना चाहते हैं? तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ आप स्टोर में जाकर कोर्स परचेस कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आप जानते हैं कि पटवारी का मॉडल आंसर आ चुका है। बहुत सारे बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर कितना कट ऑफ जा सकता है, जिले वार बताइए, क्या 70 प्लस में चांस है, क्या 80 प्लस में चांस है, कि 100 प्लस में ही लगेगा, जनरल कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC और महिला, क्या चांसेस है और मेरे क्या मार्क्स है, ये भी पूछ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जवाब जो 80-90 वाले पूछ रहे बच्चे, 80-85 में तभी संभव है जब पहला आपके ज़िले में पोस्ट ज़्यादा हो, मतलब 20 पोस्ट, और दूसरा आप कैटेगरी रखते हो, ठीक है। अब वो कैटेगरी ST SC और महिला, ये सब का लाभ आप मिल के 85 तक उम्मीद कर सकते हो, वो भी तब जब पोस्ट थोड़े ज़्यादा हो, 18-20 तक पद हों, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, है ना। और बाकी जिन ज़िलों में 10 पद हैं, 8-10 पद हैं, और वो क्षेत्र भी पढ़ने वाला रहा, जैसे दुर्ग हो गया, धमतरी हो गया, रायपुर में तो पोस्ट नहीं थे, बलौदा बाजार हो गया, गरियाबंद हो गए, ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं, कोरबा हो गए, ठीक है, बिलासपुर हो गया, बिलासपुर में भी नहीं निकला था, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र पढ़ने वाले ज़्यादा हैं, और यहाँ जहाँ जहाँ जिन ज़िलों में, ये रायपुर, दुर्ग, ये सब पढ़ने वाले क्षेत्र हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में, रायपुर में तो नहीं निकला था, इन क्षेत्रों में जहाँ पोस्ट था, तो जिसे अगर 8-10 पोस्ट हैं तो उसमें मैं बोलूँगा जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 100-102 के ऊपर जाएगा। और कई लोग बोलेंगे कि पेपर इजी था, थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, बिल्कुल, लेकिन देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं दो बार पटवारी में डॉक्यूमेंट एडुकेशन में जा चुका हूँ, 2017-2019, बहुत ज़्यादा उन लोगों को बुलाता है और बहुत लोग कटते हैं, ठीक है। जैसे 2017 में मेरा तीसरे नंबर पे, उस टाइम 2017 से लगभग 5 साल पहले, तो मेरा तीसरे वेटिंग लिस्ट में नाम आया था, ठीक है, तीसरे वेटिंग लिस्ट में नाम आया था, तो तीसरे वेटिंग लिस्ट तक जाता है। अब मेरे तीसरे आया तो तीसरे के बाद का तो आइडिया नहीं है चौथे का, बट तीसरा चौथा जाता है, ठीक। 2019 में पहले बार में नाम आया और लगा है तीसरे लिस्ट तक का, दूसरे, बहुत सारे लोग कट जाते हैं उसमें, ठीक है। तो चांसेस बनेंगे, आपका 8-10 पोस्ट है तो चांसेस बिल्कुल बनेंगे, आप निश्चिंत रहिए। जनरल कैटेगरी में और ST SC OBC का थोड़ा थोड़ा कम कर लीजिए। देखिए OBC का जनरल से 3-4-5 मार्क्स कम कर सकते हो, अगर पद रहे प्रॉपर तो, है ना, 5 में 1-2 पद हैं तो मान सकते हो। और ST SC का थोड़ा सा अंतर ज़्यादा आ जाता है, 10-12 मार्क्स, एकदम भी ज़्यादा नहीं, ठीक है, तो इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक। जहाँ पद हैं वहाँ जनरल कैटेगरी 100 प्लस या 110 प्लस, ठीक है, मतलब ज़्यादा पद हैं, जैसे 18-20 पद, तो वहाँ 100 आप मान के चलिए। और जहाँ पद कम है, 10 हैं 8 हैं 12 है, तो उसमें आपको थोड़ा सा 102-103 तक लाना पड़ेगा जनरल कैटेगरी, ठीक है। उसके साथ साथ ही बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स गलत लिए, वो सुधारेगा, सुधारता है, अल्टीमेटली व्यापम सुधार देंगे उसको, जब लास्ट फाइनल रिजल्ट आएगा। तो 4-5 क्वेश्चंस तो देखिए एट फर्स्ट साइट, आप फर्स्ट साइट में वो दिख रहा है कि गलत है, ट्रायंगल्स कैलकुलेट करने वाला, आपका ब्रेन, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, जो जो मुझे क्वेश्चन याद आ रहे हैं, ठीक है, मैथ्स के एक आध क्वेश्चन है, ठीक, रीजनिंग का हो गया, ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो लगा कि गलत ले रहे हैं साफ साफ। स्वरों की संख्या 11-13, एक व्यापक एग्जाम्स में देखा था जब 11-13, हमेशा मैं यही बताता हूँ बच्चों को कि ज़्यादा और कम दोनों दिए हैं तो ज़्यादा लेना हमेशा। क्यों ज़्यादा लेना? उसने बताया क्या किस आधार पर, कि मौखिक उधार उच्चारण के आधार पर बताया क्या? नहीं, ठीक है, तो फिर वहाँ पे स्वविवेक काम आ जाता है, हमारा भी और व्यापम के एग्ज़ाम्स वाला भी, ठीक है, व्यापम को जो एग्ज़ाम जो चेकर हैं उनका भी स्वविवेक, वो किसको लेते हैं, बट व्यापम के पुराने उदाहरण देखें, ठीक है, और दूसरे एग्ज़ाम्स में देखें, जैसे कई सारे जो और छत्तीसगढ़ के ही थोड़ी एग्ज़ाम होते हैं, जो और बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वहाँ हमेशा ज़्यादा उसको लेता है, ठीक है।
तो उस आधार पर दावा पत्ति अगर करेंगे तो हो जाएगा। प्रॉपर जो फॉर्मेट दिया हुआ उस प्रॉपर फॉर्मेट में जिनको करना होगा तो ठीक है, जिनको करना होगा प्रॉपर फॉर्मेट में। सर सोर्स कहाँ से लाएँ? मैथ सीरीजिंग के रहते हैं तो सॉल्यूशन करके भेजना पड़ेगा, ठीक है, उसका कोई सोर्स नहीं, ठीक। और करंट अफेयर्स रहते हैं तो वेबसाइट्स वगैरह वहाँ से आप निकाल सकते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होंगे सरकारी वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। जीएस के कुछ मानक किताब से अगर किसी को करना होगा तो मानक किताब एनसीईआरटी, ठीक है, बाकी का रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। और लास्ट मेरा मार्क्स बताऊँगा, मेरा अगर व्यापम सुधारता है आंसर तो 108 से 112 के बीच वराई कर सकता है। अभी 106 पॉइंट समथिंग कुछ बन रहा है, जो कि मुझे मालूम है वो बढ़ जाएगा, बहुत सारे चेंजेस करेंगे। मैंने एस्टिमेट किया था 120 तक बने, बट अगर व्यापम सुधारता आंसर तो 112 तक जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। इसके साथ साथ ही अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, खास करके अभी हॉस्टल ऑर्डर जिनका पटवारी में उम्मीद टूट चुका है, नहीं हो रहा उम्मीद, तो हॉस्टल ऑर्डर के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। और यकीन मानिए इसके हॉस्टल ऑर्डर जैसा फिर पोस्ट आपको दोबारा नहीं मिलेगा। क्यों बोलूँ, 2023 से पहले तो भूल ही जाओ, 2023 के बाद 2023 से पहले जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जो भारी भरकम पोस्ट जो दिख रहा है वो हॉस्टल उड़ानी है मेरे हिसाब से। तो हॉस्टल उड़ान का पद ऐसा है जो बहुत ज़्यादा निकलेंगे, और ज़्यादा निकलता है तो कम कट ऑफ जाता है, और उसमें जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनका भी सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी पढ़ें, थोड़ा सा भी मेहनत करें तो निश्चित होता है सिलेक्शन, ठीक है। तो उस स्थिति में चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप अगर मुझसे ऑनलाइन कोर्स जोड़ना चाहते हैं तो मात्र 2000 रुपये फीस है, सिर्फ 2000 फीस है। आप मेरे नंबर 8770123687 इस नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जो भी चलाते हो इसमें पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेगा, मैं आपको बैच में ऐड कर दूंगा। मेरी एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ाई होगी, ठीक है, और आप सिर्फ फीस पे करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, बाकी का प्रोसेस मैं आपका करके दे दूंगा, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक, आपका रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा और कोई समस्या हो और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बताइएगा। और सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा एक लास्ट बात, जितने भी स्टूडेंट्स बिना बोले मेरे वीडियोस को शेयर करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। सभी को मैं पर्सनली रिप्लाई नहीं कर पाता, बहुत सारे चैट्स रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो चैनल ग्रो कर रहा है योगेंद्र साहू क्लासेस जहाँ भी पहुँचा है आज, वो आप ही लोगों के बदौलत है। आप लोग वीडियो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरे फेवर में भी कुछ कमेंट्स आते हैं तो अच्छा लगता है, कई आलोचक भी भरे पड़े हैं, ठीक है, तो कुछ समर्थक भी हैं, वो कमेंट्स काफ़ी अच्छा लगा, 20 रुपये का रिचार्ज करा के ज्ञान ना बांटें, वो तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे आलोचक का मैं अब किनारा कर लेता हूँ, जवाब नहीं देता, कितनों को जवाब देंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।